साहस सरोकार। जगदीप धनखड़ बने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। पीएम मोदी ने बताया किसान का बेटा और संविधान का जानकार। कांग्रेस ने गोवा के अपने 11 विधायकों में से 5 को चेन्नई किया शिफ्ट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया गया फैसला। असम में आई बाढ़ घोषित हुई गंभीर प्राकृतिक आपदा। राहत और पुनर्वास में केंद्र सरकार करेगी मदद। कोरोना मामलों में फिर इजाफा। आज भी 20,000 से ज्यादा नए केस। 49 मरीजों की मौत। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने फिर रचा इतिहास। चीन के खिलाड़ी को हराकर जीता सिंगापुर ओपन का खिताब। मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अटल भूजल योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। और क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान, चलिए आपको सुनाते हैं। विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों को केंद्र में रख करके इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां भूजल की मांग में प्रत्याशित वृद्धि हो रही है, वहीं अनियंत्रित और अविवेकपूर्ण दोहन तथा पुनर्भरण के अभाव में इसकी उपलब्धता एवं गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उसके प्रति प्रत्येक प्रदेशवासी को जागरूक कर सकें और उन्हें बता सकें कि अगर हम कहीं से जल ले रहे हैं तो आखिर उसकी भरपाई कहीं से तो होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया है और उस पैसे को केवल निकालता रहेगा और वहां पैसा जमा नहीं करेगा, तो एक समय आएगा कि अकाउंट उसका खाली हो जाएगा। और यही भूगर्भीय जल की स्थिति हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी भूगर्भीय जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2019 प्रख्यापित किया है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक थीम थी कैच द रेन, इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने 2019 में प्रारंभ किया था। किसान यूनियन संघ भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने राकेश टिकैत पर बड़ा हमला बोला है। जनसभा को संबोधित करते हुए भानु प्रताप ने टिकैत को दलाल बताया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने अपने पदाधिकारियों की भी घोषणा की है, जिसमें संतोष यादव को जिला अध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ में नाका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां नाका थाना क्षेत्र के अवैध शराब बेचने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस ने गिरफ्तार महिला के पास से 200 से अधिक बियर की केन और देसी शराब भी बरामद की है। शराब बेचने वाली महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो लखनऊ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अवैध तरीके से शराब बेचने वाली महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कन्नौज में एक महिला में गाय का कटा हुआ सिर मिला है। पुजारी की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। वही एसपी ने तालग्राम थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। वहीं जब ये मामला शासन तक पहुंचा तो कन्नौज डीएम और एसपी का स्थानांतरण कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। कन्नौज के नए जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला और एसपी कुंवर अनुपम सिंह बनाए गए हैं।
चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बीच सिद्धार्थनगर जिले में वायरस से पीड़ित मरीज की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है और वायरल फीवर, डायरिया से परेशान मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सिद्धार्थनगर में गर्मी ने लोगों के हालात को बिगाड़ रखा है, लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ रखा है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जो अस्पताल है वहां पे भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिल सके। जी कहा कि ये जो अभी मौसम चल रहा है, हर साल जुलाई से लेकर सितंबर तक वायरल फीवर का प्रकोप चलता है, अभी भी थोड़ा प्रकोप बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत इस तरह से चिंताजनक स्थिति में नहीं है कोई। तो हमने आज हमने सभी की मीटिंग बुलाई है और चार दिन पहले भी हमने सभी इंचार्ज की मीटिंग किया था। अब इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है और जाँच की सुविधा भी सभी जगह उपलब्ध है। खबर मैनपुरी से है, जहां एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम ने जांच कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वह इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वाला का घाटा है जी। और यहाँ पर ये ग्राम समाज का बंजरा नाली के नाम है जी, जिसमें एक व्यक्ति दीपक कुमार पुत्र शिवराज, इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था जी। और उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि उनको किसी और घाटा बनाना था, गलती से ग्राम समाज से मुझे ये बिल्डिंग खड़ी कर ली है। ये बिल्डिंग जो बनी थी कितनी जगह में बनी थी? लगभग 15-20 से 1.5 बीघे के करीब ये बिल्डिंग बनी थी जी। और उनको 15-20 दिन का समय दिया गया था स्वच्छ हटाने के लिए जी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया जी। अतः प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ी। खबर मऊ से है, जहां दोहरी घाट की पावन भूमि पर घाघरा पुल के नीचे नहाते युवक पूजा करने के पात्र को धोने के लिए नदी से मिट्टी निकाल रहा था, जिसके बाद उसे रेत के अंदर कुछ होने का आभास हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने खुदाई करनी शुरू की और लोगों को रेत में दबी शिवलिंग मिली, जिसके बाद शिवलिंग को राम मंदिर के पास प्राचीन शिव मंदिर में श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान मौके पर हजारों की संख्या में शिव भक्तों का तांता देखने को मिला और भारी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। 3 बजे कई लोगों द्वारा जो घाघरा नदी है जनपद मऊ के अंतर्गत थाना दोरी घाट क्षेत्र में, वहां पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी, जिसके कारण वहां पर 5 मल्लाह जिनके नाम राम मिलन पुत्र स्वर्गीय स्वामीनाथ एवं मन है, उनको बुलाया गया। उनके द्वारा जब उस वस्तु को बाहर निकाला गया तो ये एक शिवलिंग वहां पर प्राप्त हुए हैं और वहाँ पर काफ़ी कौतूहल का विषय ये बना रहा। इन शिवलिंग को ससम्मान थाने पर लाकर थाने के मालखाने में रखा गया, लेकिन पहले इसमें सभी विशेषज्ञ एजेंसियों से जांच कराई गई। धन्यवाद। खबर बदायूं से है, जहां ठेका देसी शराब पर धड़ल्ले से ओवर रेटिंग शराब बेची जा रही थी। वह जब इसके बारे में सेल्समैन से बात की गई तो उसने बताया कि ओवर रेटिंग शराब ऐसा ही बिकेगी, क्योंकि सेल्समैन को किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कोई भी अब डर नहीं है। आए हैं वहीं सेल्समैन को अब अधिकारियों का भी डर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जब सेल्समैन से इस बारे में बातचीत की गई तो उसने साफ तौर पर खुलेआम ये कहा कि जो शराब है वो इसी दामों में बिकेगी और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी का उसे किसी भी तरह का डर नहीं है। गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में शनिवार को मुठभेड़ के बाद एक वांछित गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वही अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है और लोनी के मुस्तफाबाद इलाके के यूनुस उर्फ गंगा को पुलिस चौकी पर जब रोका गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश की। वही पुलिस के जवाबी कार्रवाई में यूनुस घायल हो गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
तथा थाना लोनी की टीम के द्वारा प्रतिदिन की भांति आज चेकिंग लगाई गई थी लोनी चिरोड़ी रोड पे। उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने काफ़ी तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है, दिन में तेज़ बारिश भी हो गई थी। रोड के किनारे एक चक रोड है जिससे कि वो निकलने का प्रयास किया, उसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला बोल दिया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की तथा उसके अन्य साथियों के बारे में तलाश। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।